ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। अनेजा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र फ्यूचर्स समिट में कई विश्व नेताओं के साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व के बेहतर भविष्य के लिए ह्यूमन सेंट्रिक दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता सहित कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी उनकी टिप्पणियां कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। ये टिप्पणियां यूक्रेन और गाजा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष के बीच आई। आप प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को कैसे देखते हैं और उनका महत्व क्या है? मानस जी, कल जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, वैसे संक्षेप में बोले लेकिन बहुत लोडेड मैसेज था। मैं देखता हूँ कि इसमें दो केंद्र बिंदु थे, एक तो पीस एंटी वॉर की बात कर रहे थे और डेवलपमेंट, और दोनों को उन्होंने जोड़ा, और दोनों को जोड़ने के साथ उन्होंने बात की कि ये डेवलपमेंट जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये तभी हो सकता है जब जो विश्व की इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जब तक उदारता रिफॉर्म नहीं होगी तब तक जो आज की चुनौतियां हैं, जो डेवलपमेंट की चुनौती है या विश्व शांति की जो चुनौती है वो पूरी नहीं होगी। तो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाषण था प्रधानमंत्री जी का, और ये जो बातें हुई, युद्ध नहीं होना चाहिए, विश्व शांति की जो बात हुई, अब ये बात जो है ये काफी अरसे से चल रही है। हमने देखा कि G20 की जो समिट हुई थी नवंबर में पिछले साल, उसमें भी भारत ने कहा था कि वो नॉर्थ साउथ, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के एक तरह से ब्रिज बनेंगे, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ेंगे और ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं वो ग्लोबल एजेंडा पे लेके आएंगे। लेकिन यूक्रेन की भी बात हुई थी G20 में, और उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब हमारे चुनाव हो चुके थे फिर रूस गए थे, और रूस में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, और कुछ ही दिनों में उसके बाद वो यूक्रेन गए जहां पर उन्होंने वार्तालाप किया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ। तो एक तरह से एक ग्लोबल समस्या का हल करने के लिए भारत एक इनिशिएटिव लेके आगे निकला है, और वही चीज कल सिर्फ ये प्रधानमंत्री के भाषण में हमने नहीं देखी, लेकिन जो साइडलाइंस मीटिंग हुई, एक मीटिंग जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी हुई थी, और अब इसके बाद प्रधानमंत्री कजान ब्रिक्स समिट में जाएंगे जहां पर उनकी मुलाकात फिर से राष्ट्रपति पुतिन से होगी। तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर भारत का जो एक तरह से फोकस है वो बहुत बढ़ गया है पहले के मुकाबले, और हम नवंबर से देख रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री ने समरकंद में जो SCO समिट थी उसमें भी कहा था कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, तो उससे बात जुड़ते जुड़ते G20 में, और उसके बाद जो ये बायलेटरल विजिट्स हुए हैं, और जाके अब थमी है जो उनका भाषण था, जो कल भाषण हुआ UN में, जो समिट ऑफ द फ्यूचर में जो हुआ। तो एक तरह से ये अब बहुत प्रोमिनेंटली हम कह रहे हैं कि युद्ध की समाप्ति बहुत जरूरी है, और साथ साथ उसमें यह भी है कि भारत जो विश्व में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके समाधान के लिए भारत आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा मैसेज एक किया, क्योंकि अगर एक तरह से विश्व शांति नहीं होगी तो डेवलपमेंट जिसमें ग्लोबल साउथ जुड़ा हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी। तो दोनों चीजों को जोड़ के डेवलपमेंट और पीस को प्रधानमंत्री ने कल एक अपने भाषण में कहा। अनिजा जी, प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार बहुत जरूरी है, सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है, रिलेवेंस है, ऐसा बोला प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को दी गई G20 की स्थायी सदस्यता का भी हवाला दिया और बोला कि जो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस है उनका रिफॉर्म काफी जरूरी है, काफी अर्जेंट है। सो आप इन टिप्पणियों को कैसे देखते हैं? मानस जी, ये जो रिफॉर्म्स की बात हुई है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म, ये प्रधानमंत्री ने जोर देके की है, क्योंकि एक तरह से हम देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उसके सक्सेस रेट बहुत कम है, बल्कि फेलियर कहेंगे जहां तक हम आज के जो दौर में देखते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं
चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध की स्थिति है उसके बारे में हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें कामयाब हो ही नहीं रही इन मसलों को हल करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई सोच की जरूरत है और नई रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उसमें जो नए स्टेक होल्डर हैं, खास करके ग्लोबल साउथ, जिसका भारत एक तरह से एक लीडिंग मेंबर है, तो उन ग्लोबल साउथ की आवाज अब ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में गूंजनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की एक तरह से सबटेक्स्ट था जो वो बोल रहे थे कल के भाषण में। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि रिफॉर्म्स कैसे हो सकती है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में। एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है G20। अब G20 में अब तक हालांकि 20 देश थे, लेकिन कलेक्टिव वॉइस अफ्रीका की उसके अंदर नहीं थी, जो एक ग्लोबल साउथ का मेजर पोर्शन है। तो जब भारत ने इनिशिएटिव लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया G20 के अंदर, तो एक तरह से G20 की रिफॉर्म हुई, 56 अफ्रीकी देश जुड़ गए। तो एक तरह से भारत ने उदाहरण दिया कि कैसे रिफॉर्म्स करनी है, ये G20 की बात है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की जरूरत है, जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद होनी चाहिए। और जब ये बुलंद होगी और नई सोच होगी, देखिए अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये वो 1945 वाली दुनिया नहीं है जब वेस्ट का सिर्फ बोलबाला था सारी दुनिया के ऊपर। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में कई आवाजें हैं जिनको शामिल करके हमें कलेक्टिव सॉल्यूशंस देनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये भी बात बहुत अहम है कि अब आप कुछ देश जो है विश्व की जो समस्याएं हैं उसका समाधान अकेले नहीं कर सकते, ये समाधान सिर्फ कलेक्टिव एक्शन से होगा, मिलजुल के होगा, और इसमें जियोपॉलिटिक्स और अलायंसेस की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हमें मिलकर काम करना है जो विश्व की चुनौतियां हैं, जैसे कि खाद्य सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, ये अकेले हम नहीं कर सकते। कोविड ने हमें दिखा दिया कि आप शुरू में ये था कि जो वैक्सीन आ रही थी सिर्फ कुछ ही कंपनियां, विदेशी कंपनियां उसे बना रही थी, फिर भारत ने अपना इनिशिएटिव लेके हमने अपनी वैक्सीन बताई, रूस ने अपनी एक वैक्सीन बनाई, तो हमने मिलजुल के फिर इस बड़ी चुनौती का सामना किया। तो वही अप्रोच पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हमें चाहिए कि अकेले नहीं, हमें मिलके काम करना है, और उसमें जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको मिलना है, सबको जुड़ना है, और तभी भारत की तरफ से है वन अर्थ वन फैमिली, ये एक बड़ा मैसेज है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है आज की दुनिया में। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत एक तरह से हम पॉजिटिव एंगेजमेंट पे नहीं जाते थे विश्व में, हमारा जो मिनिमम इंट्रैक्शन होता था दुनिया में, लेकिन अब हम पॉजिटिव एंगेजमेंट करेंगे, और विश्व की कोई भी समस्या हो, चाहे वो विश्व ट्रेड की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, ग्लोबल पीस की बात हो, इनोवेशन की बात हो, वो बिना भारत के नहीं होगी, और भारत उसमें फ्रंट फुट पे खेलेगा इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो एक मानसिकता चेंज हो गई है, और हमें आगे बढ़ के एंगेज करके, और जहां जरूरत हो लीडरशिप की वहां लीड करके, हमें दुनिया को एक साथ आगे बढ़ाना है। आज की जो स्थिति है वो कंफ्यूज स्थिति है, बहुत मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है, इसके नए रूल्स क्या होंगे उसमें भारत आगे रहेगा, क्योंकि हम एक पोस्ट वेस्ट सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन और बहुत सारी शक्तियां जिसमें शामिल हो गई हैं, खास करके ग्लोबल साउथ। आने जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में आतंकवाद और साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में दुनिया के सामने आने वाले चुनौतियां पर भी चिंता व्यक्त की। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्लोबल एक्शन को ग्लोबल एम्बिशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। क्या आप इन टिप्पणियों के बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे? जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक राइज ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड इक्विटी के साथ, तो उसमें टेररिज्म, आतंकवाद एक बहुत बड़ी बाधा पड़ती है। और स्पेस सिक्योरिटी की बात करें, अंतरिक्ष में आजकल कोई भी काम, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे GPS हो, आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको सबसे पहले आप उसमें GPS ऑन करते हैं अपने डायरेक्शन के लिए, ये स्पेस से जुड़ी हुई है, सैटेलाइट्स हैं ये जिनकी वजह से आपको ये दिखती है। और साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी नहीं रहती तो उससे जो है आज की जो
मॉडर्न दौर के जो कामकाज हैं वो नहीं हो सकते, इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमीज हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम आ चुके हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने है, तो ये सब जो चुनौतियां हैं इनको हम कैसे एक रूल्स के साथ आगे करें। कल बात जो प्रधानमंत्री ने सीईओज के साथ की, जो यूएस के सीईओज थे टेक्नोलॉजी वाले, उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग की भी बात की, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल जुड़ी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी को आगे कैसे लेके जाना है, एआई को कैसे आगे लेके जाना है, उसके रूल्स क्या हो गए, डेमोक्रेसी की भी जरूरत है उसके लिए। जो ये मॉडर्न चैलेंजेस हैं और मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसके रूल्स अभी तय नहीं। प्रधानमंत्री ने एक रास्ता दिखाया है कि किस दिशा में हम इन प्रॉब्लम्स को और इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, और ये सिर्फ कल का भाषण ही नहीं, लेकिन पूरा जो मैं देखता हूं उनका विजिट रहा यूएस का, ये सब एलिमेंट्स उसके अंदर थे कि दुनिया को कैसे आगे ले जाया जाए, और भारत भी, और भारत और अमेरिका की कैसे पार्टनरशिप हो जो भारत को विकसित भारत की दिशा में लेके जाए। अनिल जी, प्रधानमंत्री ने और एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कही, उसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आवश्यकता है उन पर प्रधानमंत्री जी ने काफी बताया, और बोला कि वैश्विक भलाई के लिए भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे को पूरा दुनिया के सामने साझा करने के लिए तैयार है। आप ये ऑफर को कैसे देखते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कामयाब हुआ है। हमारा यूपीआई सिस्टम जो है, उससे हर चीज डिजी लॉकर से लेके आप जो आप पेमेंट्स करते हैं, तो एक बहुत ही सरल और ओपन आर्किटेक्चर वाला सिस्टम है, और हमने स्केलिंग अप उसकी कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है किस तरह से डीपीआई जो है वो डेवलपमेंट के कार्य में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब बात आ गई है कि क्या ये मॉडल स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए रेलिवेंट है। मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट है, तो ये एक भारत की उपलब्धि पूरे विश्व को होगी, खास करके ग्लोबल साउथ को। तो ये जो प्रधानमंत्री की ऑफर है, मुझे लगता है कि इसका असर पड़ेगा और बहुत से देश चाहेंगे, और ऑलरेडी इसका इंटरेस्ट जो है काफी हम देख रहे हैं कि विश्व में हो रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। तो ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी इंडिया की डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो लीपफ्रॉग करना है ग्लोबल साउथ को। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज नहीं आई है, लेकिन उसके बाद अब डेवलपमेंट कैसे करने है, उस सब में जो है टेक्नोलॉजी और इसका पार्ट डीपीआई है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अनित जी, प्रधानमंत्री ने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के ऊपर काफी बात किया, तो जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने रखा, तो आप कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट जो है उसके मापदंड क्या है, आप एक तरह देख सकते हैं कि आपकी जीडीपी कितनी, जब तक उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर उसका फर्क नहीं रहता तो तब तक उसका फायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है। अब जैसे आप देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कई बार रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम है, जहां पर कोस्टल एरियाज हमारे हैं, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, लेकिन जो समस्या है तूफानों का सामना करना, नुकसान ना हो, एक तरह से एक ये उदाहरण है ह्यूमन सेंट्रिक इनिशिएटिव का। अब हम बात करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कई देशों में 100 देशों के ज्यादा हमने वैक्सीन पहुंचाई, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, लोगों की जान बचाई है एक तरह से एक महामारी से, ह्यूमन सेंट्रिक है। फूड सिक्योरिटी इसी तरह से है। उदाहरण हमने अपने खुद से दिए हैं, तुर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह वहां पहुंचे, नेपाल में पहले अर्थक्वेक आया था वहां पर पहुंचे। तो एक तरह से एक क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है, वो भी एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के से ही हो सकता है। तो ये एक फोकल एरिया, आप सिर्फ आंकड़ों पे नहीं जा सकते, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं, उनकी जिंदगी आसान और बेहतर बना सकते हैं, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का मूल मंत्र है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने कल पहले जाते ही जब अपना भाषण शुरू किया तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से ही शुरू किया। अनिल जी, संयुक्त राष्ट्र फ्यूचर समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन पर प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा और पत्रकार मानस प्रतिम भुयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।